मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के मंडल महासचिव राजू अहलावत के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी जी से मुलाकात की। मंडल महासचिव राजू अहलावत ने बताया कि कुछ जगह पर किसान मुआवजा रेट से 50% अधिक है, लेकिन कुछ गांव में मुआवजे का बहुत कम रेट है, जिसमें किसान को जमीन सरकारी अधिग्रहण करवाने के बावजूद कुछ भी नहीं बचता है, जिसको लेकर किसानों ने मुआवजे के रेट बढ़वाने को लेकर जिलाधिकारी से बातचीत की। मंडल महासचिव राजू अहलावत ने बताया कि किसानों के हितों को लेकर वो लोग जल्दी ही एक बड़ी पंचायत करने जा रही हैं, जो किसान हितों के लिए और भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर हो। मंडल महासचिव राजू अहलावत ने जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो केवल वोट लेने के वक्त ही किसानों के बीच में दिखाई देते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि किसानों की भूमि अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा दिलवाया जाए। देखो, आज हम डीएम मैम से मिल रहे थे, जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर डीएफसीसी बोल देते हैं, उसका भूमि अधिग्रहण चल रहा है। देखो, डीएम मैम ने 26 गांव में से कुछ गांव के अवार्ड घोषित किए हैं और उन अवार्ड में किसानों का जो बेस रेट है उसका 50% बढ़ा के दे रहे हैं। हमारा डीएम मैम से कई बार मीटिंग हुई, हमने ये कहा कि फिर समस्या कहाँ है जब 50% बढ़ा के दे रहे हैं? हाँ, उनमें समस्या ये है कि जिन गांव के बढ़े हुए हैं हम उनकी कोई मांग नहीं कर रहे रेट बढ़ाए जाए। हम ये कह रहे हैं जैसे जटनंगला है, बदायूं खुर्द है, होशियारपुर है, अतियाई है, ये 4-5 गांव ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी पहले ही बहुत कम रेट हैं। हम डीएम मैम से यही दरखास्त करने आए थे कि इनके रेट 50% नहीं, इनके 100% नहीं, के दुगने बढ़ाए जाए। डीएम साहब ने इनडायरेक्ट तो कहा नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली असमर्थता जाहिर की है। देखो, हम आपके चैनल के माध्यम से अब जनप्रतिनिधियों को बीच में ला रहे हैं। अच्छा, ये रेट कौन तय करता है? ये रेट तो डीएम जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है यही तय करेंगे। ये करते हैं कि शासन से? नहीं, शासन से कोई नहीं, एक नियम कायदा है उसके तहत होता है, उसके तहत तो हो चुका।